चलो स्टार्ट करते हैं। छोटी छोटी चीजों को फॉर्मुलेट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो, टाइप्स ही ले लो, ठीक। टाइप्स तो टाइप वन ले लो, जैसे प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कॉस, ठीक। तो किस किस टाइप से आ सकता है ये, ठीक। जैसे साइन ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, ठीक। डी एक्स इंटीग्रेशन मतलब वेरिएबल एक्स ही होगा, राइट। साथ में 2x, 3x, 4x, 5x ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या फिर दो कॉस की चीजें, तो कॉस ए एक्स, ठीक, कॉस बी एक्स, डी एक्स इंटीग्रेशन, या फिर एक साइन एक कॉस, ठीक है। ये चीज आ गई। देन अप्लाई टू साइन ए साइन बी, टू साइन ए कॉस बी, या फिर टू कॉस ए कॉस बी फॉर्मूला टू सेपरेट आउट साइन एंड कॉस टर्म्स, ठीक। क्यों? क्योंकि जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो साइन की चीज एंड कॉस की चीज एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो जैसे ही ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा तो अलग अलग इनका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक। ये हमारा रूल बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे देखो, जैसे एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, लेट से साइन 3x कॉस 4x, ठीक है, डीएक्स इंटीग्रेशन। तो हमने ये देखा कि साइन और कॉस का प्रोडक्ट आ रहा है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक। तो 1/2 इंटू 2, ठीक, चलो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक। फिर क्या, 1/2 इंटीग्रेशन ट्वाइस ऑफ साइन 3x इंटू कॉस 4x डॉट डीएक्स, तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगेगा, ठीक। तो ये बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन एज इट इज साइन ए प्लस बी, तो साइन चला जाएगा ए प्लस बी करके 7x, दोनों का एडिशन, ठीक, प्लस साइन ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब 3x माइनस 4x, तो वो आ जाएगा माइनस एक्स, और माइनस एक्स का माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो इन ए वे ये एक्स आ जाएगा डॉट डीएक्स। अब दोनों साइन का इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, तो 1/2 साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस को 7x डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि x के कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा, और माइनस ऑफ माइनस इधर प्लस हो जाएगा cos x, और x का कोफिशिएंट तो 1 है, तो 1 से डिवाइड हो जाएगा प्लस c, ठीक। तो इस तरीके से आ जाएगा सर। कोई डाउट तो नहीं? हाँ जी बोलो सर। एक बार क्लास के बाद जितने फॉर्मूले रिलेटेड है प्लीज बता दो, ट्रिग्नोमेट्री के। ट्रिग्नोमेट्री के सारे के सारे फॉर्मूला रिलेटेड, सारे के सारे, ठीक है। अगर कहते हो सारे फॉर्मूला में लिखवा दूंगा, हाँ सारे फॉर्मूला में लिखवा दूंगा। ओके सर, वो इतने याद नहीं रहते, ठीक है, मैं सारे फॉर्मूला लिखवा दूंगा, स्टेप बाय स्टेप सारे लिखवा दूंगा। स्क्रीन थोड़ी ऊपर कर दो, देखो अगेन फॉर्मूला, थैंक यू सर। लेकिन फॉर्मूलाज को यूज कैसे करना है ये इसके अंदर तुम्हें खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे तुम्हें ये चीज सोचनी है कि सब कुछ डिग्री वन के अंदर कन्वर्ट करना है जब भी ट्रिग्नोमेट्री वाली चीजें आ रही है, ठीक है। तो पहले एक बार सारे के सारे फॉर्म्स देख लो, ठीक है। एक काम करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाले जो दो तीन फॉर्म्स है पहले उनको देख लो, उसके बाद फिर मैं ट्रिग्नोमेट्री के सारे के सारे रूल्स लिखवा देता हूँ, क्लास में लिखवा देता हूँ, ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब जैसे ये हो गया, ठीक है, देन इसके अंदर ये एग्जाम्पल देखो, अगर तीन तीन चीजें अगर यू नो मल्टीप्लीकेशन में आ गई, ठीक है, जैसे cos 2x into cos 4x into cos 6x, ठीक, dx इंटीग्रेशन। अब अगेन क्या करेंगे, दो चीजों को एट अ टाइम पकड़ेंगे, लेट्स से ये दोनों, इनके ऊपर 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाएंगे, तो अगेन 2 मिसिंग है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos 2x cos 4x एंड ये cos 6x dx एज इट इज, ठीक है। तो दैट वुड बी 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos a cos b, दैट इज cos a plus b, तो cos 6x plus cos a minus b, तो दोनों को माइनस करके आ जाएगा 2x into cos 6x dx, ठीक। फिर 6x को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/2 इंटीग्रेशन ये चला जाएगा cos 6x का स्क्वायर प्लस cos 2x into cos 6x, ठीक है, dx। अब अगेन 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 2 cos square 6x plus 2 cos 2x
cos 6x dx. So that would be 1 by 4 integration of, अब देखो हमें मालूम है cos 2 theta होता है 1, 2 cos square theta minus 1. तो ये 1 को इधर ले आओ, तो 1 plus cos 2 theta that would be 2 cos square theta. तो यहाँ पे ये 2 cos square theta से क्या जाएगा हमारा 1 plus cos इसका double angle, theta का double angle हो जाएगा. तो इधर 6 theta का double angle, 6x का double angle कितना हो जाएगा 12x. प्लस इधर 2 cos a cos b, तो that is cos a plus b. So that would be 8x plus cos a minus b, so that would be 4x dot dx. ठीक है, अब चार चीजें अलग अलग बन गई, चारों का इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा. तो 1 by 4, 1 का इंटीग्रेशन x, cos 12x का इंटीग्रेशन sin 12x by 12 plus sin 8x by 8 plus sin 4x by 4 plus c. ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा. कोई डाउट तो नहीं? डाउट है तो प्लीज बोलो. क्वेश्चन दिखाना है. हाँ जी, क्वेश्चन क्वेश्चन दिखाना है सर. हाँ जी, ये रहा. ठीक है, तो इसमें दो बार लगाना पड़ा और कुछ नहीं. ठीक है, तो चलो, तो अगेन बड़ा सिंपल सा रूल है ठीक ट्रिग्नोमेट्री का, कि अगर दो साइन की चीजें प्रोडक्ट में है, या एक साइन एक कॉस की चीज प्रोडक्ट में है, या दो कॉस की चीजें प्रोडक्ट में है, तो हम इसके अंदर डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगाएंगे. टू साइन ए साइन बी, टू साइन ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा के इनको सेपरेट आउट करेंगे, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में लेंगे. जैसे चीजें एडिशन सब्ट्रैक्शन में आ जाएंगी, देन वी विल डू द इंटीग्रेशन. ठीक, एंड इस तरीके से फिर अलग अलग टर्म करके इंटीग्रेशन करेंगे, देन वी विल बी डन. ठीक, वी विल बी डन. ठीक है, तो ये चीज आ गई. देन नेक्स्ट टाइप इज, ठीक, साइन स्क्वायर वाली चीज आ गई, कॉस स्क्वायर वाली चीज आ गई, साइन क्यूब की चीज आ गई, कॉस क्यूब की चीज आ गई, या साइन के पार फोर आ गया, कॉस की पार फोर आ गया. इन चीजों को किस तरीके से हैंडल करना है. ठीक है, तो देखो टाइप क्या है, टाइप टू. ठीक, ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स, साइन की पार 4x, कॉस की पार 4x एंड सो ऑन. तो बेसिकली हायर पार जो है साइन x की एंड कॉस x की, तो हायर पार्स को कैसे हैंडल करना है, किस तरीके से क्या करेंगे. ठीक है, कुछ नहीं करना, एक सिंपल रूल है, कन्वर्ट देम टू, कन्वर्ट देम टू हायर एंगल्स. ठीक, जैसे साइन स्क्वायर x, cos square x, convert them to double angle. ठीक, sin cube x, cos cube x, convert them to triple angle. ठीक, sin की पार 4x, cos की पार 4x, convert them to fourth angle. ठीक, 4x के अंदर convert करेंगे. अब इनको convert करने का तरीका क्या रहेगा, ठीक, by using डबल एंगल फॉर्मूलास एंड ट्रिपल एंगल फॉर्मूलास. डबल एंगल एंड ट्रिपल एंगल फॉर्मूलास. ठीक है, बाय यूजिंग डबल एंगल एंड ट्रिपल एंगल फॉर्मूलास कैसे करेंगे. ठीक है, ध्यान से देखिए. तो जो कॉस 2x का फॉर्मूला होता है, 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1. ठीक, तो यहां से मेरे को क्या मिला, कॉस 2x, 1 को इधर ले आए तो 1 प्लस That is 2 cos square x. तो यहाँ से मेरे को मिला cos square x is nothing but 1 plus cos 2x divided by 2. ठीक, तो cos square x की जगह इंटीग्रेशन हम करेंगे 1 plus cos 2x की इंटीग्रेशन, तो 1 by 1 की भी इंटीग्रेशन हो जाएगी. ये डिनोमिनेटर वाला 2 तो चलो बाहर ही आ जाएगा. ठीक, 1 की भी इंटीग्रेशन हो जाएगी, cos 2x की भी इंटीग्रेशन हो जाएगी. ठीक, तो दोनों टर्म्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग द इंटीग्रेशन ऑफ cos square x, हम cos square की ये वाला फॉर्म पुट करेंगे डबल एंगल के थ्रू, तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे. अब ध्यान से देखो, इसकी इंटीग्रेशन क्यों पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे ये कॉस पावर वन टू एक्स है, एंगल डबल हो गया लेकिन पावर वन है. तो हमारा इंटीग्रेशन करने के लिए मोटिव ये होता है कि पावर जो है वो वन होनी चाहिए, एंगल जितना मर्जी हो जाए, एक्स का कोफिशियंट जो मर्जी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. एट द एंड रूल है हमारे पास कि एक्स का जो भी कोफिशियंट उससे डिवाइड हो जाएगा. ठीक, देन सिमिलरली कॉस टू एक्स को लिखा हमने वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स,
इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स दैट इज 1 माइनस कॉस 2x, तो साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये चीज आ गई। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग द इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, हम 1 की एंड cos 2x की इंटीग्रेशन करेंगे अलग अलग, एंड बीच में नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे। देन अगर क्यूब आ गया, ठीक, फॉर क्यूब यूज ट्रिपल एंगल, ठीक, फॉर क्यूब यूज ट्रिपल एंगल। अब ट्रिपल एंगल को कैसे यूज करेंगे, जैसे साइन 3x है, तो दैट इज 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे, यूजिंग दिस फॉर्मूला पावर 3 को दोनों पावर 1 के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे ही ये पावर 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा, तो अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो 4 साइन क्यूब एक्स दैट इज नथिंग बट 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, 4 से डिवाइड कर दो, तो साइन क्यूब एक्स की वैल्यू क्या आई, 1 बाय 4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। तो देखो दोनों की पावर 1 है, तो साइन क्यूब एक्स की इंटीग्रेशन की जगह हम उसको ये लिखेंगे, एंड इसके अंदर इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा पावर 1 के कारण, इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा पावर 1 के कारण, डन। एंड सिमिलरली कॉस का भी सेम तरीके से करने की कोशिश करेंगे, तो जैसे कॉस 3x है, ठीक, क्या आ जाएगा, 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, ठीक, तो इसको इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स इक्वल टू 4 कॉस क्यूब एक्स, 4 से डिवाइड कर दो, तो कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 4 दैट इज कॉस क्यूब एक्स। ठीक, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स, हम कॉस 3x एंड 3 कॉस एक्स की इंटीग्रेशन करना पसंद करेंगे। ठीक है, चलो अब मैं इसके एग्जांपल्स करके दिखाता हूँ, ठीक है, जहां से क्लियर होगा। ठीक, जैसे देखो, मान लो मेरे को क्वेश्चन आ गया, ठीक, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन। ठीक है, अब मैं ये नहीं करूंगा कि इधर साइन क्यूब की वैल्यू पुट करूंगा एंड कॉस क्यूब की वैल्यू पुट करूंगा, जो अभी हमने ऊपर निकाली है, ठीक, ये साइन क्यूब की, ये कॉस क्यूब की, फिर मल्टीप्लाई करके फिर हैंडल करने की कोशिश करेंगे। नहीं, यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है कि दोनों की पावर 3 कॉमन आ रही है, तो ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की पावर 3 आ रहा है डी एक्स, और जहां पर भी साइन एक्स कॉस एक्स आता है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करके, राइट, हम इसको डबल एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको अंदर ही 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, ठीक, तो ये बन जाएगा साइन 2x, सॉरी साइन 2 साइन x cos x टोटल डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब dx। ठीक, अब ये जो 2 है डिनोमिनेटर में, इसका क्यूब होके बाहर आएगा, तो ये 1 बाय 8 बार आ जाएगा इंटीग्रेशन, और ये बन जाएगा साइन क्यूब 2x डॉट dx। ठीक, अब हम जो साइन क्यूब का फॉर्मूला है, जो हमने ये चीज निकाली है, सेम तरीके से अब इसका निकालेंगे, राइट। इसके लिए क्या चीज चाहिए रहेगी, साइन किसका, देखो किसका ट्रिपल एंगल चाहिए रहेगा, 2x का ट्रिपल एंगल चाहिए रहेगा, 2x का ट्रिपल एंगल कितना हो जाएगा, 6x, तो हम 6x का फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको लिखेंगे साइन 3 इंटू 2x, तो अब यहाँ पे 2x का ट्रिपल एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे, और इन ए वे साइन 6x का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 साइन 2x माइनस 4 साइन क्यूब 2x, और तुम ये कर सकते हो कि इस पूरी चीज के अंदर x की जगह 2x पुट कर दो, दैट्स इट, अपने आप ही यहाँ पे 2x, जब x की जगह पुट करोगे तो 3 इंटू 2x 6x हो जाएगा, यहाँ पे 2x आ जाएगा एंड यहाँ पे 2x आ जाएगा। ठीक है, तो वो भी कर सकते हो। अब यहाँ पे इस पूरी चीज के थ्रू हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो 4 साइन क्यूब 2x दैट इज 3 साइन 2x माइनस साइन 6x, एंड 4 से डिवाइड कर दिया, तो साइन क्यूब 2x इज 3 साइन 2x माइनस साइन 6x डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये चीज बन गई। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, हम इन दोनों की इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो 1 बाय 8 तो ऑलरेडी बाहर था, इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन 2x माइनस साइन 6x टोटल डिवाइडेड बाय 4, और 4 बाहर आ जाएगा इसके साथ dx। ठीक, अब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो 1 बाय 8 फॉर द 32, और देखो 3 एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो ये माइनस कॉस 2x एक डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा,
माइनस माइनस प्लस कॉस 6x डिवाइडेड बाय 6 एन प्लस 0 है। तो ये पूरा का पूरा आंसर जाएगा हमारा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डॉट डी एक्स, ये इस तरीके से फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, अगेन क्या चीज करने की कोशिश की, डबल एंगल में कन्वर्ट किया सबसे पहले, डबल एंगल में कन्वर्ट करके क्यूब बन गया, तो साइन क्यूब ऑफ 2x आ गया, फिर ट्रिपल एंगल का फॉर्मुला यूज करके क्यूब को हमने दोनों की पावर 1 में डाल दिया, पावर 1 में कन्वर्ट करके दोनों को इंटीग्रेट कर दिया, डन। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है इसमें तो प्लीज बताओ। सर जो 2x वैल्यू है वो हम डायरेक्टली फार्मूला में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना? मैंने पहले बोला बिल्कुल कर सकते हो, इसके अंदर डायरेक्टली कर सकते हो 2x, तो आपके पास डायरेक्टली sin cube 2x का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ओके ठीक है, चलो अब इसी के अंदर एक और मैनिपुलेशन देखो जरा। ठीक, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ ठीक cos की पावर 4x डॉट dx इंटीग्रेशन, मान लो ये चीज आ गई। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करेंगे, ठीक, दैट इज नथिंग बट पहले तो मैं cos इसको लिखूंगा cos स्क्वायर x का स्क्वायर dx। ठीक, तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला पुट कर दूंगा, तो दैट इज 1 प्लस cos 2x / 2 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा dx। अब यहां पे होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये जो नीचे डिनोमिनेटर में 2 है इसका स्क्वायर होके बाहर आ जाएगा, तो 1 बाय 4 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे न्यूमिनेटर में a प्लस बी का स्क्वायर बनेगा, तो 1 का स्क्वायर 1, cos 2x का स्क्वायर cos स्क्वायर 2x प्लस 2ab, तो 2 इंटू cos 2x डॉट dx। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब अगेन इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा पावर 1, लेकिन इसका डबल एंगल में पावर 2 के कारण इसको दोबारा से डबल एंगल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एक फिर जाके इंटीग्रेशन होगा, अदरवाइज इंटीग्रेशन। ठीक है, तो वो चीज करने के लिए अगेन हमने क्या काम किया, ठीक, यहाँ पे इसका डबल एंगल का फॉर्मूला लगा दिया, तो cos स्क्वायर 2x जो होगा वो क्या आ जाएगा, ठीक, दैट इज 1 प्लस cos इसका 2x का डबल एंगल 4x / 2। अब ये चीज इधर पुट कर दो तो ये टोटल बन जाएगा 1 / 4 इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 4x / 2 प्लस 2 cos 2x, ये पूरा का पूरा चीज बन गया डॉट dx। ठीक है, अब ध्यान से देखो, या तो अलग अलग कर दो डिनोमिनेटर ये वाली चीज को, दोनों को अलग अलग कर दो, 1 को अलग कर दो, cos 4x को अलग कर दो, और 2 का LCM ले लो। अगर मैंने 2 का LCM लिया तो इंटीग्रेशन टोटल डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, इधर 1 की जगह 2 आ जाएगा, प्लस 1 प्लस cos 4x प्लस इधर 2 टू द 4 हो जाएगा, 4 cos 2x dx। तो डिनोमिनेटर में 2 बाहर आ जाएगा, तो ये बन गया 1 बाय 8 इंटीग्रेशन 3 प्लस cos 4x प्लस 4 cos 2x dx। इंटीग्रेशन कर दो 1 बाय 8, 3 का इंटीग्रेशन 3x प्लस sin 4x / 4 प्लस 4 sin 2x / 2 प्लस। ठीक, तो दो बार हमें एक्चुअली में डबल एंगल फॉर्मूला लगाना पड़ा। स्टार्टिंग में तो हमने cos square x की जगह cos 2x का फॉर्मूला लगाया, लेकिन फिर दोबारा स्केयरिंग करने के बाद यहां पर भी दोबारा हमें एक बार और डबल एंगल लगाना पड़ा, फिर जाके तीन टर्म्स अलग अलग बनी, तीनों टर्म्स का अलग अलग इंटीग्रेशन किया। ठीक है, तो दो बार हमें करना पड़ा। हाँ जी, क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक, तो चलो नेक्स्ट इज, ठीक, ध्यान से इस टाइप को समझना, ठीक, टाइप 3 अंडर रूट वाली, ठीक है, टाइप 3 अंडर रूट वाली है ये चीज, दैट इज ए एक्स प्लस बी एंड सी एक्स प्लस डी अंडर द रूट डी एक्स इंटीग्रेशन आता है। ठीक है, देन हमने क्या चीज बोली थी कि जो अंडर रूट के अंदर वाली चीज होती है लीनियर, इसको बाहर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ट्राई टू क्रिएट, ठीक, सी एक्स प्लस डी इन, इंस्टेड ऑफ या फिर इन पोजिशन ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये चीज करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखो इसका। ठीक है, लेट से 2x प्लस 3 अंडर द रूट एंड बाहर है तुम्हारे पास 3x प्लस 1 इंटीग्रेशन dx। ठीक है, ये चीज अब इसको कैसे हैंडल करेंगे, तो बाहर इंस्टेड ऑफ 3x प्लस 1 हमें 2x प्लस 3 बनाना है, राइट। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हमेशा इसका जो भी कोफिशियंट होगा ये कॉमन लेके बाहर ले लेंगे, आ जाएगा 3 टाइम्स इंटीग्रेशन x प्लस 1 बाय 3। क्या किया हमने, 3x प्लस 1 से 3 कॉमन ले लिया, तो 3 कॉमन लेके क्या चीज जाएगी, ठीक, ये 3x प्लस 1 है,
थ्री को मैं लेके यहाँ पे एक्स आ जाएगा और यहाँ पे वन की जगह क्या आ जाएगा, वन बाय थ्री, इस तरीके से, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स एज इट इज। अब देखो, अब एक्स का कोफिशिएंट वन हो गया, अब जो मर्जी बनाओ मल्टीप्लाई डिवाइड करके। अब टू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, डिवाइडेड बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू, ठीक। तो ये आ जाएगा थ्री बाय टू इंटीग्रेशन टू एक्स प्लस टू बाय थ्री अंडर द रूट ऑफ टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स। अब देखो थोड़ी थोड़ी शेप बननी शुरू हो गई, बाहर टू एक्स आ गया, अंदर टू एक्स प्लस थ्री है, तो हमने अब प्लस थ्री क्रिएट करने के लिए प्लस थ्री माइनस थ्री कर दिया, ठीक। तो ये बन गया थ्री बाय टू इंटीग्रेशन टू एक्स प्लस थ्री को अलग रखा, ठीक। एंड ये जो चीज बची बाकी, दैट इज प्लस टू बाय थ्री माइनस थ्री, एक ये माइनस थ्री एंड ये टू बाय थ्री, इसको अलग कर दिया, ठीक। एंड ये टोटल चीज मल्टीप्लाइड बाय अंडर द रूट ऑफ ये चीज, दैट इज टू एक्स प्लस थ्री की पावर अंडर द रूट मतलब वन बाय टू डी एक्स। अब क्या किया हमने, ये जो 2x plus 3 है इसको इससे मल्टीप्लाई किया एंड इसको इससे मल्टीप्लाई किया, दोनों टर्म्स को अलग अलग कर दिया, तो क्या बन जाएगा 3 by 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x plus 3 की पावर इधर 1 है और इधर पावर 1 by 2 है, तो पावर 1 by 2 एंड पावर 1 को कंबाइन करके पावर बन जाएगा 3 by 2 प्लस इधर ये 2 by 3 माइनस 3 कितना बन जाएगा एलसीएम लेके माइनस 7 by 3, तो ये आ जाएगा माइनस 7 by 3 into 2x plus 3 की पावर 1 by 2 dx। अब जैसे ही पता चला कि दोनों टर्म अलग अलग हो गई, राइट, और दोनों का क्या जा रहा है ax plus b की पावर n है, तो नॉर्मल अलजेब्रिक का रूल जो अपना रूल है वो लग जाएगा, दैट इज पावर n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 1, ठीक। क्या आ जाएगा ये बाहर वाला 3 by 2 as it is, इधर जाएगा 2x plus 3 की पावर 3 by 2 plus 1 दैट इज 5 by 2 डिवाइडेड बाय 5 by 2 एंड x का कोएफिशिएंट ये जो 2 है इससे डिवाइड हो जाएगा माइनस 7 by 3 2x plus 3 की पावर 3 by 2 डिवाइडेड बाई थ्री बाई टू एंड अगेन एक्स का क्वेश्चन जो है टू उससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक। एंड प्लस सी। अब इसको सिंप्लीफाई अगर करना है तो ये टू टू कटा, ये टू टू कटा, ठीक। क्या बन गया थ्री बाय टू टू एक्स प्लस थ्री की पावर फाइव बाय टू बाय फाइव माइनस सेवन बाय, ये थ्री है, थ्री थ्री था नाइन हो गया, नाइन टू एक्स प्लस थ्री की पावर थ्री बाय टू प्लस सी, दैट्स इट, इतना बहुत है, ठीक। इतनी चीज बहुत है, डन, क्लियर हुआ क्या किया, ठीक। अगेन ध्यान से समझने की कोशिश करो, जो अंदर लीनियर है उसी को बाहर क्रिएट करने की कोशिश की, ठीक। बाहर क्रिएट करने का तरीका, एक्स वाली टोटल सारी की सारी चीज सेम बननी चाहिए, इसलिए ये मैं नहीं करूंगा कि 3x को 2x plus x कर दो, नहीं, ये गलत स्टेप होगा, रॉन्ग स्टेप, ठीक। तो इंस्टेड ऑफ दैट हमने क्या किया, 3 को कॉमन लेके टोटली 3x plus 1 को, ये इसके अंदर 3x जो है, ध्यान से देखो, जैसे हमने इसको 2x में कन्वर्ट किया, कोई और x addition subtraction में नहीं आया, ठीक है। जैसे ही ये चीज हुई, राइट, फिर हमने plus 3 minus 3 करके पूरी की पूरी चीज क्रिएट करने की कोशिश की। प्रियांशु क्लियर हुआ अभी? यस सर। पक्का, कोई डाउट तो नहीं? सक्षम सर, इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं क्या, जैसे अगर मैंने मतलब स्टार्टिंग में जो ये स्टेप्स है वो मैं ए बी ए ए एक्स प्लस बी इनटू रूट ऑफ सी एक्स प्लस डी में कर दूं और एक पॉइंट तक जनरलाइज कर दूं इसको, कर दो, लेकिन जनरलाइज फॉर्मूला देखो, ऐसे कितने टर्म्स को याद रखोगे, ऐसे कितने फॉर्मूला याद रखोगे, नहीं मतलब सर वैसे पूछा था, अगर जैसे याद रह जाए तो फिर हम वो भी कर सकते हो, बट ट्रस्ट में याद नहीं रहेगा, ट्रस्ट में बहुत मुश्किल, क्योंकि ऐसे बहुत सारे, कम से कम हमारे भाई अभी पूरे इंटीग्रेशन के अंदर ऐसे जितनी छोटी छोटी टाइप्स जो मैं बता रहा हूँ कम से कम 25 टू 30 आने वाली है, तो ऐसे ये वाली टाइप्स कैसे याद रख पाओगे, नहीं रख पाओगे हर एक चीज। जो मेजर फॉर्मूला याद रखने वाले हैं वो मैं खुद ही बता दूंगा, यहाँ पे बस तुम्हें ये याद रखना है कि अगर ये चीज ऐसे दिखाई दे, राइट, क्वेश्चन के अंदर, तो इसको अप्रोच कैसे करना है, अप्रोच वाली जो चीज है दैट कैन बी यू नो दैट कैन बी इजिली रिमेम्बर्ड, बट हाँ प्रॉपर फॉर्मूला इसका रटना वो आई थिंक वो सही भी नहीं रहेगा। ओके सर, और सर जैसे अगर हमें साइन स्क्वायर एक्स दिया था, मैं कल जैसे वो ट्राई किया, तो हम उसको भी साइन एक्स इनटू साइन एक्स और वन बाय टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करके कर सकते हैं। हाँ, सेम चीज है, सेम चीज, डबल एंगल का ही बन जाएगा। एग्जैक्टली, वो सेम चीज जाएगा, वन माइनस कॉस टू एक्स बाय टू ही जाएगा। ओके सर, थैंक यू, ठीक, वेलकम। देखो नेक्स्ट, ठीक है, अब जैसे देखो इसी के अंदर जैसे हमने ये ए एक्स प्लस बी अंडर द रूट ऑफ सी एक्स प्लस जी देखा है, अब ये जो अंडर द रूट है, ये अंडर द रूट हमारा डिनोमिनेटर में भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो,
अगेन सेम क्वेश्चन लेके जा रहा हूँ, ठीक, सेम क्वेश्चन, ठीक है, 3x plus 1, 2x plus 3, ठीक है, तो इंटीग्रेशन 3x plus 1 divided by 2x plus 3 under the root dx, अब under the root denominator में आ गया, अगेन अब क्या करेंगे, राइट, कि ये जो न्यूमरेटर में आ रहा है ये चीज, राइट, इसकी जगह हम 2x plus 3 बनाने की कोशिश करेंगे एंड यूजिंग द सेम मेथड अगेन, ठीक, तो इसकी जगह क्या आ गया अब ax plus b divided by cx plus d under the root dx integration, इसके अंदर भी अगेन क्या करेंगे कि try to convert ax plus b to cx plus d, कैसे, using basic manipulation, that's it, ठीक है, अब जैसे यहां पे देखो क्या करेंगे, अगेन 3 को कॉमन लेके बाहर ले लिया, तो आ गया 3 इंटीग्रेशन x plus 1 by 3 divided by 2x plus 3 की पावर 1 by 2, अंडर रूट को पावर 1 by 2 मिल गया, अब मेरे को 2 बनाना है तो divided by 2 into 2, ठीक, तो ये बन गया 3 by 2 इंटीग्रेशन 2x plus 2 by 3 divided by 2x plus 3 की पावर 1 by 2 dx, ठीक, अब किया plus 2 minus 2, तो plus 2 minus 2, ठीक, 3 by 2 इंटीग्रेशन, तो 2x, अच्छा सॉरी plus 3 minus 3, प्लस थ्री माइनस थ्री, तो 2x प्लस 3 अलग कर दिया एंड प्लस 2 बाय 3 माइनस 3 अलग कर दिया, और दोनों की पावर जो है 2x प्लस 3 की पावर 1 बाय 2, इधर 2x प्लस 3 की पावर 1 बाय 2 dx दोनों को अलग अलग कर दिया, ठीक है, ये चीज, तो दैट इज इक्वल टू 3 बाय 2 इंटीग्रेशन, अब देखो ऊपर पावर में 1 है नीचे पावर 1 बाय 2 है, तो कट के ऊपर पावर 1 बाय 2 आ जाएगी, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3 की पावर 1 बाय 2 प्लस, ये तो कॉन्स्टेंट है, राइट, ये कांस्टेंट कितना जाएगा माइनस 7 बाय 3, और ये बन जाएगा, इसको ऊपर ले आओ तो ये बन जाएगा 2x plus 3 की पावर माइनस 1 बाय 2 dx, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा, सो दैट इज 3 बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ इसका क्या जाएगा 2x plus 3 की पावर 1 बाय 2 plus 1, तो 3 बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 बाय 2 एंड x का कोएफिशिएंट 2 से डिवाइड हो जाएगा माइनस 7 बाय 3 इनटू 2x plus 3 की पावर माइनस 1 बाय 2 plus 1, सो दैट इज 1 बाय 2 divided by 1 by 2 and ये 2 से extra divide हो जाएगा and plus c, ठीक, again इसको थोड़ा सा simplify कर लो, जैसे ये power 2 कटा, ये 2 कटा, तो ये 3 by 2 क्या जाएगा 2x plus 3 की power 3 by 2 divided by 3, ठीक है, ये 2 तो कटा, minus 7 by 3 into 2x plus 3 की power 1 by 2 plus c, ठीक है, इस तरीके से ये आ जाएगा, that's it, डन, हाँ जी, क्लियर हुआ क्या करना है, तो अंडर द रूट अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो अंडर रूट के अंदर चीज है उसी को बाहर वाली चीज बनाने की कोशिश करो, बाहर बना क्रिएट करने की कोशिश करो, दैट्स इट, हमेशा तुम्हारा काम करेगा, आम्या क्लियर हुआ, जयति, यस, ठीक है, अर्श, यस, अंश, आरव, क्लियर है, यस सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कृतेश, खुशी, क्लियर है सर, ठीक है, सरब, संभव, सक्षम, क्लियर है सर, ठीक है, उदय, शिवाय, यस सर, क्लियर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं, ठीक, देन नेक्स्ट इज कि टाइप 4, ये अगेन छोटे छोटे मैनिपुलेशन है, ठीक है, ये चीज हमने क्या देखी थी कि इन जनरल कोई भी पॉलिनोमियल आ जाए डिवाइडेड बाय नीचे ax plus b की पावर n आ जाए dx इंटीग्रेशन, ठीक है, जैसे एग्जांपल x क्यूब बाय x plus 2 का क्यूब dx इंटीग्रेशन, चलो नीचे स्क्वायर ले लो, ठीक है, तो x क्यूब डिवाइडेड बाय x plus 2 की पावर 2, अब हमारा मोटिव क्या था कि ऊपर जो है हर एक टर्म के अंदर नीचे वाला ax plus b क्रिएट करने की कोशिश करो, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर सिर्फ x क्यूब आ रहा है तो हम क्या करेंगे इस टर्म के अंदर इंस्टेड ऑफ x हम x plus 2 क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए हमने क्या किया x क्यूब की जगह लिखा x plus 2 minus 2 का क्यूब, अब यहाँ पे हम a minus b का क्यूब ओपन कर देंगे तो आ जाएगा हमारा x plus 2 का क्यूब, ठीक, x plus 2 का क्यूब आ गया, minus 2 का क्यूब 8 माइनस 3 ए बी, तो 3 इंटू 2 6 इंटू एक्स प्लस 2
इनटू एक्स प्लस टू माइनस टू, तो ये ओपन होके हो जाएगा एक्स प्लस टू का क्यूब माइनस एट माइनस सिक्स टाइम्स एक्स प्लस टू का स्क्वायर प्लस ट्वेल्व टाइम्स एक्स प्लस टू, ठीक है, ये चीज आ जाएगी. एंड व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट एक्स क्यूब, ठीक, दिस इज नथिंग बट एक्स क्यूब, ठीक. तो यहां पे न्यूमरेटर क्या बन गया हमारा, दैट इज एक्स प्लस टू का क्यूब माइनस एट माइनस सिक्स एक्स प्लस टू का स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू का स्क्वायर डीएक्स, ठीक. अब देखो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, यहाँ पे पावर टू कटेगा तो पावर वन बचेगा, तो एक्स प्लस टू की पावर वन माइनस एट, ये बचेगा एक्स प्लस टू की पावर माइनस टू, ऊपर लिया उसको न्यूमरेटर में, ये पावर टू दोनों कटेंगे तो बचेगा सिर्फ माइनस एक्स प्लस ट्वेल्व एंड ये पावर ए कटेगा तो वन बाय एक्स प्लस टू बचेगा डीएक्स, ठीक. अब सारी चीजों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, एक्स प्लस टू की पावर वन प्लस वन टू डिवाइडेड बाय टू माइनस एट टाइम्स एक्स प्लस टू की पावर माइनस टू प्लस वन, तो दैट इज माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन माइनस सिक्स एक्स आ जाएगा प्लस ट्वेल्व एल एन ऑफ मॉड एक्स प्लस टू का मॉड प्लस सी, इस तरीके से आ जाएगा. तो क्या करेंगे हम, अगेन ऊपर में जितनी भी टर्म्स आ रही है न्यूमरेटर में x की, उनके अंदर हर एक पॉइंट पे, ठीक, हर एक पॉइंट पे हम डिनोमिनेटर वाला लीनियर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ये हमेशा 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 हमारा ये मैट्रिक्स है, ठीक है. तो इस तरीके से चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है. तो ध्यान से देखो, जैसे एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक, कि मान लो ठीक है, क्वेश्चन है अभी x square plus 1 divided by x plus 1 का square dx integration, ठीक है. अच्छा अब ध्यान से देखो, यहां पे मेरे को क्लियरली दिखाई दे रहा है एक ही टर्म आ रही है, तो इसके अंदर मैं प्लस वन माइनस वन कर सकता हूं, तो मैंने क्या किया, x square की जगह x plus 1 माइनस वन का स्केयर, क्या बन जाएगा जी, x plus 1 का स्केयर प्लस 1 माइनस चॉइस ऑफ x plus 1, ठीक है. अब ये x square की जगह ये इधर पुट कर दिया, तो क्या बन गया, इंटीग्रेशन सिर्फ x square की जगह, प्लस 1 तो साथ में आएगा, तो ये बन जाएगा x plus 1 का square plus 1 minus twice of x plus 1, और ये plus 1 ये वाला जो है ये तो आएगा, ठीक, ये तीन टर्म्स एंड ये प्लस 1 डिवाइडेड बाय टोटल डिवाइडेड बाय x plus 1 का square dx इंटीग्रेशन, तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x plus 1 का square minus twice of x plus 1 plus 2 डिवाइडेड बाय x प्लस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस वन का स्क्वायर dx इंटीग्रेशन. ये तो कटेगा, अब ये कट जाएगा, राइट, तो ये बन जाएगा वन माइनस चॉइस ऑफ, ये एक पावर कटेगी तो वन बाय x प्लस वन प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन की पावर माइनस टू dx, ठीक. तो देखो वन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x माइनस चॉइस ऑफ ln ऑफ मॉड x प्लस वन प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वन की पावर माइनस टू प्लस वन, तो दैट इज माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन प्लस. प्लीज कंफर्म करो, किसी को कोई भी डाउट है अभी भी इसमें तो प्लीज बताओ. सर हम इसमें प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स भी कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ताकि नीचे वाली चीज ऊपर डायरेक्टली ग्रेड हो जाए, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है. तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स, ठीक है, न्यूमरेटर में किया dx इंटीग्रेशन, ठीक. तो इससे बन जाएगा x प्लस वन का स्क्वायर माइनस चॉइस ऑफ x डिवाइडेड बाय x प्लस वन का स्क्वायर dx इंटीग्रेशन. तो देखो अब मैं, इससे क्या हुआ कि एक टर्म में तो x प्लस वन का स्क्वायर बन गया बट दूसरी में नहीं है, तो इसके अंदर स्टिल प्लस वन माइनस वन करेंगे, तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन x प्लस वन का स्क्वायर माइनस चॉइस ऑफ x प्लस वन माइनस वन, ठीक है, इसके अंदर भी क्रिएट करना है अभी. तो अब यहाँ पे माइनस टू को इसके साथ एंड माइनस टू को माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करके क्या बन गया, अलग अलग कर दिया, तो ये बन गया एक्स प्लस वन का स्क्वायर माइनस चॉइस ऑफ एक्स प्लस वन एंड माइनस टू इंटू माइनस वन करोगे तो प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का स्क्वायर डीएक्स, राइट. अब ध्यान से देखो, यहाँ पे तीन टर्म जा रही है और ऊपर भी हमारी एग्जैक्टली यही तीन टर्म्स जा रही थी, ध्यान से देखो, ठीक. तो जिस मर्जी मेथड से जाओ आप, एट द एंड आंसर सेम आएगा, हुआ मैम? यस, ठीक है, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है. तो ये बेसिक मैनिपुलेशंस थी जो हमने अभी तक देखने की कोशिश की थी, ठीक.
इसके अलावा अभी तक हमने कुछ और चीज नहीं देखा था, ठीक है। ये हमारी बेसिक मैनिपुलेशन थी जहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। अभी एक काम करता हूं मैं, ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं, ट्रिगो फॉर्मूलाज, वो एक बार बता देता हूं। सर हाँ जी बोलो सर, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री में मतलब यू बाय वी में होता है उसमें कैसे करना है? कौन सा यू बाय वी सर? मतलब कई क्वेश्चन थे ना पिछले होमवर्क में, इसमें ट्रिग्नो का ऐसे कोस ओवर ऐसे समथिंग। जल्दी क्वेश्चन बता, जल्दी क्वेश्चन बता, जल्दी क्वेश्चन बता सर, एक मिनट। हाँ जी बोलो। 1 बाय 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस प्लस 1 प्लस कोस एक्स ओवर 1 माइनस कोस एक्स, dx इंटीग्रेशन, राइट। तो इसको क्या क्लियरली दिखाई दे रहा है, हाफ एंगल में कन्वर्ट करोगे ताकि प्लस वन माइनस वन हैंडल हो सके, राइट। तो क्या करेंगे इसके अंदर, तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक के मैनिपुलेशन है ये चीज, तो भाई मैं भी तेरे को नहीं सिखा पाऊंगा, ठीक है। 1 प्लस 2 cos square x by 2 minus 1 divided by 1 minus 1 plus 2 sin square x by 2, ये 1 1 कटा, ये 1 1 कटा, ये 2 2 कटा, तो ये बन गया इंटीग्रेशन cot square x by 2 dx, राइट। cot x by 2 बन, yes, sir. अब cot का तो कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, तो इसको लिखा 1 cosecant square x by 2 minus 1, ठीक। आइडेंटिटी लगा के इसको कोसेकेंट में कन्वर्ट कर दिया, क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या आइडेंटिटी होती है, कॉस स्क्वायर थीटा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉट को उधर ले जा, इसको इधर ले जा, तो तुम्हारे पास बना क्या बना, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 दैट इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा की जगह हम ये चीज पुट कर सकते हैं, तो ये पूरा क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रेशन कोसेकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 1 बाय 2, 1 बाय 2 इनटू एक्स माइनस 1 डीएक्स, अब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करो। तो ऑब्वियसली बेसिक मैनिपुलेशन करके स्टार्टिंग से, मैं पहले लेक्चर से प्यांशु ये चीज बताता आ रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन तुम्हें वो करनी है जो तुम्हें वन ऑफ द नॉन बेसिक इंटीग्रेबल जो फंक्शंस है हमारे पास उनके अंदर कन्वर्ट कर दे, वो वाली मैनिपुलेशन करनी है। तो ये मैनिपुलेशन तो तुम्हें प्रैक्टिस कर करके आएंगे, डायरेक्टली कोई नो हिंट नहीं देगा कि इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करो, ये करो वो करो, कोई कुछ नहीं देगा, ये तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा, और इसी को इंटेलेक्चुअल लेवल बोलते हैं भाई, कि खुद सोच पाना, ठीक है। मोटिव क्या है, मोटिव ये है एट द एंड वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट्री फंक्शंस के इंटीग्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना, मेन मोटिव ये चीज है, मेन मोटिव ये चीज, ठीक है। उसके लिए बेसिक मैनिपुलेशन करेंगे, और ये मैनिपुलेशन तो हमने ऑलरेडी देखी हुई है ना कि कॉस के साथ जब भी प्लस वन माइनस वन आता है तो इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करके वन और वन, जो नीचे ऊपर नीचे वन आ रहा है दोनों को कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं, दैट्स इट। ये तो हमने पहले से देखा हुआ है, वही करने की कोशिश कर रहे हैं तभी, कोई अलग चीज तो कर नहीं रहे हैं। हाँ भाई यस सर, सर एक और क्वेश्चन था, बोलो? नहीं वो लास्ट में, अभी डाउट्स में, ठीक है। अभी ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलास देख लो, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद आइडेंटिटीज, ठीक। तो आइडेंटिटीज के अंदर क्या आता तुम्हारा, ठीक, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल वन। देखो अगेन मैं आइडेंटिटीज बता सकता हूँ लेकिन क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से यूटिलाइज होंगे ये तुम्हारा दिमाग ही बताएगा, ये मैं नहीं बता सकता, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, ठीक है। सेकंड, ठीक, ये सेकंड एंड ये थर्ड, ठीक। देन इज directly a plus b के formulas and a minus b के formulas, so again sin a plus b, so that is nothing but sin a cos b plus cos a sin b, इसी के अंदर b की जगह minus b put कर दिया तो ये बन जाएगा sin of, जहाँ पे b आ रहा है वहाँ वहाँ पे minus b डाल दो, sin a minus b that is equal to sin of a cos of minus b plus cos of a sin of minus b, ये sin क्या होता है, अब रूल cos of minus theta is cos theta and sin of minus theta is minus sin theta, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा sin of a minus b that is equal to sin a, और ये cos minus b equal to cos b, ये cos b आ जाएगा, इसका negative sign इधर आ जाएगा तो minus cos a sin b हो जाएगा। एक तो एक ही आइडेंटिटी है, इसी के थ्रू मैं बाकी सारे के सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलास हैं वो सारे के सारे इसी के थ्रू मैं डिराइव करके दूंगा। साइन ए प्लस बी के अंदर हमने क्या किया, बी की जगह माइनस बी डाल दिया तो अगेन साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब इसी के अंदर दोबारा मैनिपुलेशन कर रहा हूँ, ठीक, इसी के अंदर, इसी के अंदर जहां जहां पे ए आ रहा है वहां वहां पे उसको रख दिया 90 प्लस ए, ठीक। तो क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला, साइन ऑफ 90 प्लस ए
plus b, that is equal to sin 90 plus a cos b plus cos 90 plus a sin b. ठीक, अब sin 90 plus theta क्या होता है, cos theta, इस पूरी चीज को theta मान के जाओ, तो sin 90 plus theta cos theta, तो cos a plus b का फॉर्मूला आ जाएगा, अपने आप ही वही फॉर्मूला cos a plus b में कन्वर्ट हो गया, और sin 90 plus a क्या होता है, cos a, तो ये आ गया cos a, ये cos b as it is, ये sin cos 90 plus a is minus sin है, तो ये minus sin a sin b. ठीक है, तो cos a plus b का फॉर्मूला आ गया, that's it. इसी के देखो अगेन, ए की सिंगल फॉर्मूला से स्टार्ट किया हमने साइन ए प्लस बी, ए की जगह माइनस बी डाला तो साइन ए माइनस बी आ गया, ए की जगह 90 प्लस ए डाला तो कॉस 90 प्लस कॉस ए प्लस बी आ गया, अब इसी के अंदर बी की जगह माइनस बी डाला तो ये बन जाएगा कॉस ए माइनस बी, दैट इज इक्वल टू कॉस ए कॉस ऑफ माइनस बी माइनस साइन ए साइन ऑफ माइनस बी. अगेन ये नेगेटिव साइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका नेगेटिव साइन इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा कॉस ए माइनस बी, that is cos a cos b plus sin a sin b, ये cos a plus a minus b का फॉर्मूला है. ठीक, then sin a plus b divided by cos a plus b, दोनों को डिवाइड कर दिया तो ये आ गया tan a plus b, right? तो न्यूमरेटर में sin a plus b का फॉर्मूला, that is sin a cos b plus cos a sin b, total divided by cos a cos b minus sin a sin b. अब इसको tan में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमने tan a tan b से डिवाइड कर दिया, ऊपर नीचे दोनों, सॉरी सॉरी नॉट tan a tan b, cos a cos b से. ठीक, तो क्या बन जाएगा ये, इसके नीचे भी cos a cos b, इसके नीचे भी cos a cos b, चारों टर्म्स के नीचे cos a cos b आ जाएगा, तो ये बन जाएगा sin a cos b plus cos a sin b divided by cos a cos b divided by cos a cos b total divided by cos a cos b divided by cos a cos b minus sin a sin b divided by cos a cos b. ठीक है, ये चीज आ जाएगी. तो अब ध्यान से देखो, ये cos b कटा, ये cos a कटा, cos a cos b कटा, तो ये sin a by cos a that is tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b, that is tan a plus b. ठीक, that is tan a plus b. अब b की जगह minus b डाल दिया, ठीक, तो ये बन गया tan a minus b, that is equal to tan a plus tan of minus b over 1 minus tan a into tan of minus b. ये minus sign b का इधर आ गया, ये minus sign इधर चला गया, तो tan of a minus b का formula क्या चला गया, tan a minus tan b over 1 plus tan a tan b. then फिर आ रहा है हमारा sin a plus b into sin a minus b. ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है, sin square a minus sin square b. ठीक, इसका फॉर्मूला होता है sin square a minus sin square b. ठीक है, अब कहां से आया, कैसे आया, अगेन इसकी जगह हमने डाला sin a cos b plus cos a sin b multiply by sin a cos b minus cos a sin b. ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी. ठीक, सब कुछ साइन में कन्वर्ट करना है, तो ये कॉस स्क्वायर बी की जगह लिखा हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, एंड इस कॉस स्क्वायर ए की जगह लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो आ गया साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी. ये इसके साथ कटा तो क्या बचा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. एंड सिमिलर तरीके से तुम्हारा कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी,
ठीक ये आता है cos square a माइनस sin square। अगेन मैं तुम्हें दोबारा दोबारा बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूले तो मैं बता दूंगा लेकिन इंटीग्रेशन में इनको कैसे यूज करना वो तुम्हारा दिमाग ही बताएगा। वो जो अभी हमने शॉर्ट ट्रिक्स देखी है वही तुम्हें बताएगा। ये फॉर्मूलाज बस तुम्हें याद रहे, मैं इसलिए सारा का सारा रिवाइज कर रहा हूँ, इसके अलावा इसके अंदर और कुछ नहीं है। अब साइन ए प्लस बी दैट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी दैट इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दोनों को ऐड कर दिया तो क्या बन गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये दोनों कटे तो आ गया टू साइन ए कॉस बी, तो टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला आ गया। तो टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक, ऐसे ही इन दोनों को ऐड करके तो ये आ गया ये वन ये टू, ये क्या चीज आई वन प्लस टू। अब वन माइनस टू करना, ठीक, तो दिस माइनस दिस क्या, अब ये दोनों कटेंगे साइन वाली चीजें कटेंगी, ये दोनों साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी कटेगा तो ये दोनों ऐड होके आ जाएगा टू कॉस ए साइन बी, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो सेकंड फॉर्मूला आ गया ये तुम्हारा। ठीक, देन सिमिलरली कॉस की चीजें पकड़ेंगे तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी दैट इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, दोनों को ऐड कर दिया ये दोनों कटे तो दैट इज टू कॉस ए कॉस बी, क्या फॉर्मूला आया कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो फॉर्मूला क्या आया टू साइन ए साइन बी, उसका फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक, ये दोनों कॉस के फॉर्मूला आ गए। अगेन अब इन्हीं के अंदर, ठीक, यही चारों फॉर्मूला के अंदर क्या फॉर्मूला है हमारे टू साइन ए साइन टू साइन ए कॉस बी दैट इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक, ये फॉर्मूला, देन टू कॉस ए साइन बी दैट इज साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, टू कॉस ए कॉस बी दैट इज कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, टू साइन ए साइन बी, ठीक, दैट इज कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब इन चारों फॉर्मूलाज के अंदर हमने क्या किया, ए प्लस बी को सी ले लिया, ए माइनस बी को डी ले लिया, दोनों को ऐड किया तो टू ए की वैल्यू आ गई सी प्लस डी एंड ए की वैल्यू आ गई सी प्लस डी बाय टू। सिमिलरली दोनों को सब्ट्रैक्ट करके बी की वैल्यू आ जाएगी सी माइनस डी बाय टू। ठीक है, तो ए ए एंड बी की वैल्यू आ गई एंड ए प्लस बी ए माइनस बी की वैल्यू आ गई। अब इन्हीं दोनों को हैंडल करने के लिए, ठीक, हमने क्या काम किया, ठीक, दैट इज नथिंग बट ये चारों के चारों वैल्यूज ए प्लस बी ए माइनस बी सी प्लस डी बाय टू सी माइनस डी बाय टू, ये चारों की वैल्यू हमने इधर 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 डाल, तो देखो पहला क्या जाएगा, ठीक, टू साइन ए की वैल्यू क्या है सी प्लस डी बाय टू, तो सी प्लस डी बाय टू कॉस सी माइनस डी बाय टू दैट इज नथिंग बट साइन सी प्लस साइन डी, तो यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला मिल गया, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या है टू साइन सी प्लस डी बाय टू कॉस सी माइनस डी बाय टू। ठीक, सिमिलरली बाकी चारों में पुट करोगे तो ये बन जाएगा साइन सी माइनस साइन डी, वो आ जाएगा टू कॉस सी प्लस डी बाय टू साइन सी माइनस डी बाय टू कॉस सी प्लस कॉस डी टू कॉस सी प्लस डी बाय टू कॉस सी माइनस डी बाय टू एंड लास्ट में कॉस सी कॉस डी माइनस कॉस सी। ठीक, लास्ट वाला उल्टा होता है कॉस डी माइनस कॉस सी, तो टू साइन सी प्लस डी बाय टू साइन सी माइनस डी बाय टू। तो इस तरीके से तुम्हारे ये चारों के चारों फॉर्मूला चले जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट को एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर सॉरी अपना एडिशन सब्ट्रैक्शन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चार फॉर्मूलाज चले गए। अब इसके बाद आता है तुम्हारा डबल एंगल एंड ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। तो डबल एंगल फॉर्मूलाज में क्या क्या चीज जाएगी, जैसे कॉस ए प्लस बी पकड़ा, ठीक, अगेन चलो पहले साइन का ले लेते हैं, तो साइन ए प्लस बी पकड़ा, ठीक, तो क्या आ जाता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी।
तो यहाँ पे अब हमने क्या किया, बी की जगह ए डाल दिया, तो ये बन गया साइन टू ए, ठीक, दैट इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए, सो दैट इज टू साइन ए कॉस ए, ठीक। अब इसका सेकेंड फॉर्म बनाने के लिए हमने क्या किया, कॉस ए मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो टू साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, मल्टीप्लाई बाय कॉस ए किया तो ये कॉस स्क्वायर ए आ गया, तो ये बन गया टू टेन ए, और ये जो कॉस स्क्वायर है डिनोमिनेटर में जाके सीकेंट स्क्वायर ए हो गया, और सीकेंट स्क्वायर ए की जगह लिखा वन प्लस टेन स्क्वायर ए, तो ये बन गया टू टेन ए ओवर वन प्लस टेन स्क्वायर ए, तो ये दूसरा फॉर्मूला आ गया, ये पहला फॉर्मूला। तो साइन टू ए के हमारे पास दो फॉर्मूला है, साइन टू ए के इज टू साइन ए कॉस ए एंड टू टेन ए ओवर वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक। ये ऐसे ही cos 2a, cos 2a के लिए cos a प्लस b का फॉर्मूला लिखा, ठीक। अभी तक अगर तुम्हें याद हो सब कुछ मैं sin a प्लस b के फॉर्मूला से लेके आया हूँ, एक भी अलग से कोई और चीज नहीं किया, सब कुछ वहीं से निकाल लिया हमने, एक एक करके बेसिक मैनिपुलेशन करते जा रहे हैं अपने आप, वहीं से सारी की चीज, सारी की सारी चीजें आती जा रही। अब यहाँ पे b की जगह माइनस b डाल दिया, सॉरी बी की जगह ए डाल दिया, ठीक, तो ये बन जाएगा कॉस टू ए, दैट इज कॉस ए इंटू कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए, तो दैट इज साइन स्क्वायर ए, ठीक। अब यहाँ पे वन माइनस साइन स्क्वायर ए डाल दिया कॉस स्क्वायर ए की जगह, तो ये कॉस टू ए का फॉर्मूला बन गया, वन माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो वन माइनस टू साइंस के लिए, ठीक। ऐसे ही इसकी जगह वन माइनस कॉस के रे डाल दिया, तो कॉस टू ए का फॉर्मूला बन गया, दैट इज कॉस के रे माइनस ऑफ वन माइनस कॉस के रे, वो बन जाएगा टू कॉस केयर ए माइनस वन। अगेन ये फॉर्मूला तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, ठीक, दिमाग लगा के सोचना ये चीज, ये फॉर्मूला मैं तुम्हें बता सकता हूँ, बट इस फॉर्मूले के अंदर कहाँ पे मैं साइन स्क्वायर ए की जगह वन माइनस कॉस टू ए बाय टू रखूंगा, ये तो क्वेश्चन की कंडीशन ही बता सकती है कि क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये चीजें मैं नहीं सिखा सकता, और इंटीग्रेशन में यही चीजें हमें सीखनी है कि क्वेश्चन को किस तरीके से पकड़ के हमें मैनिपुलेट करना है। अभी तक बाय द वे कॉस के तीन फॉर्मूलास बने, ठीक, फोर्थ फॉर्मूला इज इसी को पकड़ा हमने, दैट इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए को कॉमन ले लिया, तो ये कॉस स्क्वायर ए कॉमन वन माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, ये चीज बन गई। अब ये जो वन माइनस टेन स्क्वायर ए है, सॉरी कॉस स्क्वायर ए, इसको डिनोमिनेटर में लेके गए सीकेंट स्क्वायर ए, उसको लिखा वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ये बन जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर ए ओवर वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, ये चीज आ जाएगी, तो ये कॉस का तो फोर्थ फॉर्मूला आ गया। ऐसे ही टेन के लिए टेन ए प्लस बी, दैट इज टेन ए प्लस टेन बी ओवर वन माइनस टेन ए टेन बी, बी की जगह ए डाल दिया, तो ये बन जाएगा tan 2a, that is tan a plus tan a, 2 tan a over 1 minus tan square a, tan का एक ही फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो ये डबल एंगल फॉर्मूला आ गया। ऐसे अगर ट्रिपल एंगल फॉर्मूलास देखोगे तो sin 3a, तो इसके लिए हमने क्या किया, sin 2a plus a लिखा, ठीक, तो ये बन जाएगा sin 2a cos a plus cos 2a sin a, ठीक, तो ये बन जाएगा 2 sin a cos a इंटू ये वाला कॉस है, तो कॉस कह रहे यहाँ पे वन माइनस टू साइन कह रहे इंटू साइन है, ठीक, इधर वन माइनस साइन कह रहे, ठीक, तो टू साइन ए को मल्टीप्लाई किया, तो टू साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए प्लस साइन ए इंटू वन, तो साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए, दैट इज थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए, दैट इज साइन थ्री ए, ठीक है, तो ये साइन थ्री ए का फॉर्मूला आ गया। सिमिलरली कॉस थ्री ए का फॉर्मूला फोर कॉस क्यूब ए माइनस थ्री कॉस ए एंड टेन थ्री ए का फॉर्मूला टेन थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए ओवर वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए, तो दीज आर द योर सेट ऑफ, ठीक है। अगेन ये सारे के सारे फॉर्मूलास मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन ये सारे के सारे फॉर्मूलास को यूज कैसे करना है वो मैं नहीं बता पाऊंगा, वो छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हें खुद ही ऑब्जर्व करनी पड़ेगी
कि किस तरीके से मैं बेसिक मैनिपुलेशन करूं ताकि मेरा जो गिवन क्वेश्चन है वो एक ऐसी फॉर्म में आ जाए जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। इसके लिए तुम्हें जिस जिस टाइप का इंटीग्रेशन पॉसिबल है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म का, वो चीजों को याद रखना पड़ेगा साथ में, सिर्फ इनको नहीं याद रखना पड़ेगा। जैसे साइन का इंटीग्रेशन है, राइट, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन है, टेन एक्स का इंटीग्रेशन है, कोट एक्स का इंटीग्रेशन है, सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन है, कोसीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन है, राइट, फिर सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स इसका इंटीग्रेशन है, कोसीकेंट एक्स इंटू कोट एक्स डी एक्स इसका इंटीग्रेशन है, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन इसका है, कोसीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इसका है। इसके अलावा तो किसी और का इंटीग्रेशन है ही नहीं हमारे पास, राइट। तो इसके अलावा कोई भी और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म आ जाते हैं उनको तुम्हें इन्हीं वन ऑफ दीज, ये जो हमारे पास 10 फॉर्म आ रही है इन्हीं में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और आ जाता तो मैं इंटीग्रेशन एक्चुअली में नहीं कर सकता। तो जितना भी हमारा मैनिपुलेशन यूज होगा वो सब कुछ इन्हीं की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए होगा, या फिर इसके अंदर एक्स की जगह ए एक्स प्लस किया जाए। इसके अलावा देर इज नो अदर रूल, देर इज नो अदर रूल, और कोई रूल ही नहीं है। तो बेसिक मैनिपुलेशन करना सीखो, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये फॉर्मुलास को बार बार याद करके, ये चीज अपने माइंड को याद करा के, यार मेरे को फॉर्मुलास नहीं याद है, फॉर्मुलास नहीं आते, इलेवंथ में नहीं किया हुआ, इतना ध्यान नहीं दिया तो इसलिए ये नहीं हो पाएंगे, ये सब बेवकूफी है। दिमाग लगाओ, फॉर्मुलास इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। ये चीज सोचो कि किस तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करोगे ताकि एट द एंड जो भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दे रखा है तुम्हें वो इसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। एट द एंड तुम्हें अभी जो चीजें देखनी है वो फॉर्मुलास नहीं सीखनी है, वो तुम्हें मैनिपुलेशंस को सीखना है, और वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर करके आएगा, डाउट्स पूछ पूछ के आएगा, हिम्मत करके आएगा। अगर तुमने हिम्मत करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने छोड़ दिया तो मैं भी तुम्हें नहीं करा पाऊंगा, अगर तुमने गिव अप कर दिया मैं नहीं कर पाऊंगा। तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो मर्जी होता है, हो सकता है एक क्वेश्चन हो 20 में से, इट्स ओके, बाकी 19 से मेरे से कराओ। एक बार देखने के बाद दोबारा मैनिपुलेशंस को सीखो, समझो क्या चीज हो रही है, कैसे मैनिपुलेशन किया, दोबारा खुद करो। लेकिन जब तक तुम डाउट कराने के बाद खुद डाउट को दोबारा सॉल्व नहीं करोगे तब तक सीरियसली मैं भी तुम्हें नहीं सिखा सकता। चलो आ जाओ, अब डाउट्स पे आ जाओ। ये बेसिक टाइप्स थी, कल हम एक नई टाइप को शुरू करेंगे, दैट इज सब्स्टिट्यूशन, दैट इज द फर्स्ट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। कल सब्स्टिट्यूशन को शुरू करेंगे। आज ये टाइप्स जो मैंने बताई हैं इनको याद रखो, किस किस तरीके से करना है। अभी आज का भी जो होमवर्क है तुम्हारा सारा का सारा इन्हीं के रिलेटेड रहेगा, मैं आगे नहीं चलूंगा, ठीक है। चलो आ जाओ डाउट्स पे।